आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तो वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने भी निर्वाचन की गतिविधियां तेज कर दी हैं। इंदौर में स्वीप एक्टिविटी के तहत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोग के निर्देश पर बुधवार से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी प्रारंभ हुआ है। देखिए ये खास खबर। आगामी 3 माह में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर आयोग के निर्देश पर प्रत्येक जिले में निर्वाचन संबंधी गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। बुधवार को इंदौर जिला निर्वाचन कार्यालय ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इसके लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत आम मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के तहत मालव कन्या विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कलेक्टर इलैयाराजा टी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लालबाग परिसर तक निकाली गई इस रैली में छात्राओं ने मतदान के प्रति जागरूक किया। और शांत रहेंगे माननीय कलेक्टर साहब। कलेक्टर के अनुसार बुधवार से ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी प्रारंभ हुआ। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सूची में नाम संशोधन या हटाने के साथ 18 से 20 वर्ष के युवाओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाना हो तो अपने मतदान केंद्र पर बैठे BLO से जरूर संपर्क करें। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार स्वीप गतिविधियां हैं, मतदाता जागरूकता अभियान का ना शुरुआत हुआ है, उसके साथ है ना आज ना रैली भी हो रही है, जगह जगह पे ना कार्यक्रम आयोजन करने के लिए डायरेक्शन दिए गए। स्पेशली अर्बन एरिया में ना हमारी इश्यूज़ हैं, मतदाताओं को मोबिलाइज करना डेफिनेटली आगे से लेकर मतलब चुनाव तक है ना उस गतिविधियां ना कंटिन्यू रहेगा। आज ये एक विशेष संक्षिप्त है ना पुनरीक्षण की कार्यक्रम है, वो भी है ना शुरू हो रही है। सभी BLOs अपना अपना मतदान केंद्र में ना बैठे हुए हैं। कितने भी लोग 18+ हो गए हैं, 18 साल को हो गया, उन सभी लोगों का आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अब जरूर है ना मतदान केंद्र में जाकर BLO के माध्यम से अपना है ना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए मतलब है ना आवेदन दें। एंड इसके अलावा किसी को भी करेक्शन है उसके लिए भी है ना मतलब BLO है ना काम करेंगे। पुनः आपके माध्यम से अपील करता हूँ, एक भी वोटर है ना चूकना नहीं चाहिए, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, एक हमारी है ना चुनाव आयोग का है ना मतलब मंत्र है, उसके अनुसार जिला प्रशासन और है ना पूरे हमारे स्वीप टीम है ना लगातार है ना इस प्रकार का गतिविधियां आयोजित करेंगी। इसलिए मतलब हमारी कितने भी मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, उनको है ना अपना नाम अवश्य है ना मतदाता सूची में जोड़। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन कार्यालय चुनाव तक सतत गतिविधियां जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।